हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। पर उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो आपके पास बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सरसों का साग है 1 किलोग्राम। ये इसको मैंने पहले से धुल कर काट कर रख लिया है। हरी सब्जियां हमको हमेशा ही पत्ते सहित धो लेनी चाहिए और फिर काटना चाहिए। ये लहसुन की 8-10 कलियां हैं बारीक कटी हुई, 1 पिंच हींग, 7 से 8 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1 कढ़ाई ले, फ्लेम ऑन करें, उसमें 50 ग्राम या 1 चम्मच बड़ा तेल लें और गरम करने पर हम लहसुन डालें। लहसुन लाल करें, फिर उसमें हींग डालेंगे, फिर हरी मिर्च लेंगे, हरी मिर्च को तड़कने दें, फिर अपना साग डालेंगे। सारा साग हमको डाल के धीमी धीमी चलाना है और आँच धीमी रखें। चलाते हुए इसको पकाएं। जब इसका पानी निकलने लगे आंच मध्यम करें और इसको चलाते हुए पकाएं। आधा साग हो जाए फिर उसमें नमक डालेंगे। नमक हमको साग वगैरह में जब आधा हो जाए तभी डालना चाहिए। इससे नमक का अंदाज हमको अच्छे से मिलता है और नमक साग में ज़्यादा नहीं होने पाता है। और इसको चलाते हुए पकाएं। और इस कलछली की सहायता से आप इस तरह से देखें, पानी निकलेगा तो आपको चलाते रहना है और इसको चलाते हुए पकाएं। पानी बिल्कुल ना रह जाए तब इसको आप निकाल कर एक बर्तन पर सर्व करें। आप मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी के साथ सर्व करें। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स टू वॉच फ्रेंड।